अमर रहे अमर रहे वीरांगना दुर्गावती अमर रहे अमर रहे वीरांगना दुर्गावती अमर रहे अमर रहे। अब मैं और आखिरी दाव में कहूँ बहुत शुरू कर धन्यवाद। इसके मतलब ये मैंने भी किसी संगठन से बैठा था उसमें बताया गया था बहुत देर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के सादर सम्मान करो स्वागत करो गदगद हो गए और इसने हमारे बीच में हमारे जिला के मुखिया जो बीच बीच में हम लोग बता रहे थे दिशा निर्देश देते रहते ईमान से ये बात में मैं कैसे ढंग लेता हूँ दाग उठ जाओ मोर करा कोई भूल नहीं सके और देश के लिए मातृभूमि के लिए गढ़मंडला के लिए जो बलिदान और शहादत 24 जून के दुर्गावती जी के है ओला न केवल छत्तीसगढ़ में तोरणकट्टा में बाकी पूरा देश सम्मान के साथ आज याद कर रहे थे श्री झुका थे। हम सब ऐसे वीरांगना जैन अंग्रेज मन से फिर भारत कर पहले मुगल शासक से संघर्ष करेंगे और ओकर खिलाफ जिन काम दुर्गावती जी करी निश्चित रूप से अकेले गढ़मंडला के नहीं पूरा देश के सम्मान और आज यहाँ हम सब उपस्थित हैं। आज ये दुर्गावती जी का की शहादत दिवस है उन्होंने आज 24 जून को ही शहादत दी मुगल बादशाह अकबर से लड़ते हुए वीरतापूर्वक गढ़मंडला को बचाने का काम किया और अद्भुत वीरांगना थी अद्भुत योद्धा थी कभी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया लगातार युद्ध में मुगलों को पराजित करने वाली और गढ़मंडला की इज्जत और धाक को पूरे देश में लगाने वाली दुर्गावती का बलिदान इतिहास में लिखा जाता है। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया जब चारों तरफ से गिर गई अपने ही खंजर निकाल के उन्होंने अपने सीने में भोग लिया कि मैं गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी वीरांगना को हम याद करते हैं और आज इसलिए एक और बड़ा समाचार है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन भरती है और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी हमारी बहन हमारी घर की लड़की आज राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में बैठने जा रही है। मोदी जी को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आदिवासी समाज को इतना बड़ा सम्मान यदि किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और उनको हम सब पूरे गांववासी और पूरे देश भर में उनके लिए बधाई का संदेश आ रहा है। ऐसे बहुत सरल सीधी शिक्षक से अपना जीवन शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति के सर्वोच्च आसन में बैठेगी समाज के लिए बहुत सम्मान।